हेलो दोस्तों, आज का जो राजस्थान वर्सेस पंजाब के बीच में जो मैच होने वाला है दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों इस मैच के ए टू जेड रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, साथ में दोस्तों कौन कौन से की प्लेयर्स रह सकते हैं दोस्तों, जो कि एड टू एड के अंदर और इस ग्राउंड के ऊपर जिनका दोस्तों रिकॉर्ड शानदार रहा है दोस्तों, उनका रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस मैच के बारे में अगर कोई भी अपडेट रहता है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो ड्रीम इलेवन टीम के अंदर कोई भी चेंज रहता है तो उसका अपडेट दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों मैं टेलीग्राम के ऊपर एक्स्ट्रा जो मैचेज रहने वाले हैं दोस्तों, उनका भी उनको भी साथ में दोस्तों कवर करवा रहा हूँ, तो दोस्तों उनके अंदर भी आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस मैच की जो ड्रीम इलेवन टीम रहने वाली है उनको बनाने से पहले इनके जो रिकॉर्ड रहे हैं या फिर दोस्तों एड टू एड के जो की रिकॉर्ड रहने वाले हैं पहले हम उनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर टीम क्रिएट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं माई इलेवन सर्कल के बारे में। तो दोस्तों आपको इस ऐप के अंदर आपको बाजीगर कॉन्टेस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर आपका पहला मैच तो रहेगा दोस्तों, उसके अंदर नो लॉस रहने वाला है दोस्तों। अगर आप उसके अंदर टीम लगाते हो तो आपका अगर लॉस हो जाता है तो दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर रिफंड मिलने वाला है, अगर विनिंग रही तो आपको विनिंग तो रहने वाली है ही। बाकी दोस्तों इस मैच की अगर बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, तकरीबन 8 गुना कम कंपटीशन आपको इस ऐप के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर देखें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 25 लाख टीमें इस मैच के अंदर लगने वाली दोस्तों, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्राइज जो रहेंगे दोस्तों आपको 1-1 करोड़ के मिलने वाले। दूसरी ऐप्स के ऊपर दोस्तों किसी भी ऐप के अंदर सेकंड प्राइज आपको 1 करोड़ कोई नहीं देने वाला, साथ में दोस्तों 1 करोड़ के साथ में आपको एक ओडी भी मिलने वाली है दोस्तों। इससे अच्छा ऑफर आपके लिए क्या रहने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप इस ऐप के अंदर लॉग इन करते हो या फिर पहले फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो दोस्तों आपको 1500 रुपये का कैश बोनस भी मिलने वाला है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको दोस्तों 15% एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। ये दोस्तों आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज रहने वाला है। बाकी दोस्तों फर्स्ट और सेकंड प्राइज ही दोनों के दोनों जो 1-1 करोड़ रहने वाले हैं, उसके अलावा दोस्तों किसी भी दूसरी ऐप्स के ऊपर ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पे दोस्तों अगर राजस्थान रॉयल्स की अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करें दोस्तों, जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल दोस्तों एक बार फिर से ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों दयादुत पेडिकल भी खेल सकते हैं, या फिर दोस्तों सुनील सैमसन लास्ट मैच के अंदर खेले थे। बाकी दोस्तों पेडिकल ही नंबर 3 के ऊपर खेलते हैं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर सैमसन खेलने आए थे। नंबर 5 के ऊपर दोस्तों प्रियान प्रयाग, नंबर 6 के ऊपर सिमन हेटमायर आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। जैसन होल्डर नंबर 7 के ऊपर, 8 नंबर के ऊपर रविचंद्र अश्विन, 9 के ऊपर दोस्तों कुलदीप सैन को इस मैच के अंदर प्रॉपर मौका मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच के अंदर को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला था। बाकी दोस्तों ट्रेंट बोल्ट और जदुद्दीन तहरीर के फिक्स प्लेयर रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर पंजाब की जो लास्ट मैच की जो प्लेइंग 11 रही थी उसके हिसाब से अगर देखें, शिखर धवन के साथ में दोस्तों इस मैच के अंदर भी प्रभ सिमरन सिंह ओपनिंग करने वाले हैं। बाकी दोस्तों नंबर 3 के ऊपर भानुका राजपक्सा, दोस्तों इस मैच के अंदर लिविंगस्टोन खेल सकते हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट रह सकता है दोस्तों, क्योंकि स्पिनर्स के लिए इस ग्राउंड के ऊपर मदद रहने वाली है, तो हो सकता है लिविंगस्टोन को इस मैच के अंदर खेलने का मौका मिल सकता है। लास्ट मैच के अंदर दोस्तों अवेलेबल नहीं थे, अगर ये अवेलेबल रहते तो आप इसको अपनी टीम के अंदर पिक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अच्छी खासी हिटिंग के साथ साथ दोस्तों आपको ये बॉलिंग भी करके देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर स्पिनर्स को मदद रहती है। शाहरुख खान दोस्तों आपको नंबर 5 के ऊपर खेलेंगे, जितेंद्र शर्मा नंबर 6 के ऊपर, 7 के ऊपर दोस्तों सैम करन, नंबर 8 के ऊपर ऋषि धवन लास्ट मैच के अंदर दोस्तों सब्सटीट्यूट एज ए सब्सटीट्यूट खेलने आए थे। राहुल शाह दोस्तों इस मैच के अंदर फिक्स रहने वाले हैं, ये खेलने वाले हैं क्योंकि स्पिनर्स को लिए इस ग्राउंड के ऊपर मदद रहने वाली है। वहीं पर दोस्तों अर्शदीप सिंह और इस मैच के अंदर दोस्तों रबाड़ा भी अवेलेबल रह जाएंगे दोस्तों, रबाड़ा श्योरली रहने वाले हैं कि इस मैच के अंदर खेलने वाले हैं दोस्तों, 100% खेलेंगे इस मैच के अंदर। रबाड़ा को अपनी टीम के अंदर जरूर पिक के कर लीजिएगा। इनके अलावा दोस्तों अगर इस ग्राउंड के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली ये पिच रहने वाला है, लेकिन दोस्तों स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिलती है, बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा दोस्तों और स्पिनर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम का दोस्तों 60% विनिंग परसेंटेज अभी तक है रहा है, 10 मैच टोटल खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम का एवरेज स्कोर दोस्तों 144 रन रहा है, चेक करने वाली टीम दोस्तों यहाँ पे अभी तक मात्र 4 ही मैच विन कर पाई है 10 मैचेज में से, तो 6 मैच विन किए दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किए। विकेट सप्ली दोस्तों इस मैच के अंदर की फैक्टर रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिनर्स के नाम 62 विकेट इस ग्राउंड के ऊपर रहे हैं, वहीं पर बेसर्स के नाम मात्र 45 विकेट ही रहे हैं दोस्तों। इस ग्राउंड के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है, और दोस्तों गुवाहाटी के अंदर ये पहला मैच रहने वाला दोस्तों, स्पिनर्स को अपनी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पिक कीजिएगा। बाकी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखें दोस्तों, हेड टू हेड के अंदर सबसे पहले इस ग्राउंड के ऊपर अगर रिकॉर्ड देखें तो इस ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा प्लेयर्स खेले नहीं है। देखो पेडिकल ने इस ग्राउंड के ऊपर 4 मैच खेले हुए हैं, 109 रन इनके नाम रहे हैं। जयसवाल ने इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैच खेले हुए हैं, 32 रन ही अभी तक बना पाए हैं। हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखें तो हेड टू हेड के अंदर सबसे ज़्यादा रनों की बात करें तो हेड टू हेड के अंदर सबसे ज़्यादा रन संजू सैमसन के नाम रहे हैं,
19 मैचेस के अंदर 658 रन अभी तक बना चुके हैं। वहीं पर दोस्तों शिखर धवन ने 22 मैच के अंदर 576 रन बनाए, जोस पटेल ने 11 मैचेस के अंदर 416 रन, जायसवाल ने दोस्तों एड टू एड के अंदर 2 मैचेस के अंदर 117 रन अभी तक बनाए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों अगर चहल की बात करें तो 17 मैच के अंदर 28 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। अश्विन ने दोस्तों 19 मैच के अंदर 19 विकेट निकाले हैं। दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है और एड टू एड के अंदर भी दोनों के दोनों स्पिनर रहने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों हर्षदीप सिंह की फैक्टर इस मैच का एक बार फिर से रहने वाले हैं। 5 मैच के अंदर 12 विकेट ये निकाल चुके हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। यहाँ पे दोस्तों रबाड़ा की अगर बात करें तो रबाड़ा ने भी 6 मैच के अंदर 10 विकेट है अभी तक निकाले हुए हैं। बाकी दोस्तों इनके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा अपडेट मुझे मिला कि मैचअप जो रहने वाले हैं उनका अपडेट दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों अगर ड्रीम टीम के बारे में बात करें दोस्तों सुनील सैमसन को मैंने यहाँ पे विकेट कीपिंग के लिए पिक किया क्योंकि दोस्तों एड टू एड के अंदर इनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। साथ में दोस्तों जोस पटेल को यहाँ पे कैप्टन पिक किया क्योंकि दोस्तों रिसेंटली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच के अंदर स्कोर कर रहे हैं। बाकी दोस्तों थोड़ा सा इनके ऊपर इश्यू हो सकता है क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह इनका विकेट निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अर्शदीप सिंह को अगर विकेट नहीं मिलता तो इनकी चलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे रहने वाले हैं। जायसवाल की बात करें दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा रिकॉर्ड इनका खराब रहा है लेकिन एड टू एड के अंदर 2 ही मैच खेले हुए हैं, 2 मैच के अंदर दोस्तों 117 रन बना चुके हैं। विकेट यहाँ पे दोस्तों मोस्ट रनों की बात करें सबसे ज्यादा रनों के बाद में दोस्तों संजू सैमसन के बाद में शिखर धवन का नंबर आता है हेड टू हेड के अंदर। दोस्तों अच्छी ऑप्शन रहने वाली है और दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर भी अभी तक ज्यादा मैचेज नहीं हुए, स्पिनर्स को मदद मिलने वाली, स्पिनर्स को दोस्तों शिखर धवन थोड़ा सा अच्छा खेल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों सिकंदर राजा की बात करें तो बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों करके देने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिलेगी तो दोस्तों इनके पूरे के पूरे 4 ओवर आपको देखने को मिलने वाले। सैम करन की बात करें दोस्तों बैटिंग भी आने वाली, दोस्तों इनकी पूरी पूरी बैटिंग भी आएगी, साथ में दोस्तों आपको बॉलिंग के पूरे 4 ओवर भी करके देने वाले हैं। दोस्तों इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के हिसाब से दोस्तों मैंने स्पिनर्स को ज़्यादा पिक किया है क्योंकि दोस्तों चहल को मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन पिक किया है। अर्शदीप सिंह दोस्तों हेड टू हेड के अंदर 5 मैच के अंदर 12 विकेट निकाल चुके हैं। ट्रेंड बॉल दोस्तों पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने वाले दोस्तों और इनकी जो स्विंग रहती है दोस्तों उसका पूरा पूरा इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। टॉप ऑर्डर को पूरा का पूरा डिस्ट्रो करने के लिए दोस्तों ये प्लेयर आपको काम में आने वाला है। राहुल सार को दोस्तों मैंने यहाँ पे एज ए स्पिनर पिक किया है क्योंकि दोस्तों स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिलने वाली है। अगर आप चाहें दोस्तों आप यहाँ पे इनकी जगह रबाड़ा को रिप्लेस करवा सकते हैं। बाकी स्पेसर्स के नाम यहाँ पे इस ग्राउंड के ऊपर थोड़े से कम विकेट रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ये रिस्की बन सकते हैं। अश्विन को दोस्तों यहाँ पे पिक किया क्योंकि दोस्तों इनके पूरे 4 ओवर आएंगे। अगर आप इनकी जगह होल्डर को रिप्लेस करवाते हो दोस्तों तो होल्डर के हो सकता है एक आधा ओवर कट हो सकता है लेकिन अश्विन के पूरे 4 ओवर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों होल्डर के जो मिनिमम 2 ओवर रहते हैं दोस्तों वो डेथ ओवर के अंदर आने वाले हैं, हो सकता है जल्दी में अगर मैच खत्म हो जाता है दोस्तों यहाँ पे अश्विन पूरे 4 ओवर कर जाएंगे, होल्डर के 1-2 ओवर भी बच सकते हैं इस मैच के अंदर। बाकी दोस्तों अगर टीम के अंदर कोई भी अपडेट रहा या फिर कोई भी चेंज रहता है तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा।